हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हम जेंकिंस के बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से जॉब क्रिएट होती है, यहाँ हम किस तरीके से कमांड्स को जेंकिंस जॉब में रन करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम हमारी जो जेंकिंस है, जो जेंकिंस जॉब है, उसे कनेक्ट करते हैं हमारे गिट रिपोजिटरी के साथ, यानी गिट के साथ इंटीग्रेशन देखेंगे हम। उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम हमारे गिट के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, रिएक्ट को लॉगिन के कर रखा है WP के साथ। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे जेंकिंस जॉब के अंदर। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जेंकिंस है उसे गिट के लिए कंपेटेबल बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्लगइन की नीड होगी। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो जेंकिंस है वहाँ पे मेरे पास गिट इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, सबसे पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ यहाँ पे मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा जेंकिंस फोल्डर कहाँ है। मैंने F में रखा हुआ है मेरा जेंकिंस फोल्डर, यहाँ पे मैं जाता हूँ CD जेंकिंस, इसके अंदर एंटर हो गया। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, गिट डैश वर्ज़न, ये चेक करूँगा कि गिट मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं है और कौन सा वर्ज़न इंस्टॉल है। क्लिक किया तो मेरे पास कौन सा आ गया, गिट 2.36.0, ये मेरे पास विंडोज़ का गिट वर्ज़न इंस्टॉल है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले गिट चेक कर लूँगा कि इंस्टॉल है कि नहीं है कमांड प्रॉम्प्ट पे। जहाँ भी आप लिनक्स मशीन है या विंडोज़ मशीन है, जहाँ भी आप स्टोर करते हो, तो इस तरीके से आप गिट को चेक कर लोगे, नहीं तो आपको गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। गिट अगर आपके पास अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो वो किस तरीके से करना है कि हम चलेंगे हमारे वापस ब्राउज़र में, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंस्टॉल गिट कर लेता हूँ मैं टैब में, क्या लिखना है आपको, गिट डाउनलोड गिट्स में जाना है। नाउ यहाँ पे आपको विंडोज़ के लिए मिल जाएगा, तो आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे गिट को और यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से गिट आपके सिस्टम पे या आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर कमांड चाहिए तो कमांड भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। गिट को चलाने के लिए कमांड होती है ये गिट को क्लोन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप गिट को कमांड के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे या सर्वर पे। नाउ अब क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं हमारे जेंकिंस के अंदर और यहाँ पे मैनेज जेंकिंस को क्लिक करते हैं, क्योंकि गिट को चलाने के लिए, गिट को रन करने के लिए जेंकिंस में हमें प्लगइन की नीड रहेगी। तो वो कैसे आए इंस्टॉल करेंगे हम, मैनेज जेंकिंस, यहाँ पे हमारे पास मैनेज प्लगइन्स में जाते हैं और यहाँ पे हम हमारा कोई भी प्लगइन ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे हमारा गिट का प्लगइन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं जैसे कि अपडेट्स, अगर कोई प्लगइन की अपडेट अवेलेबल होगी तो वो आपको यहाँ पे देखेगी, इंस्टॉल्ड प्लगइन जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं सारे प्लगइन्स उसके बारे में आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि गिट प्लगइन हमारे पास है कि नहीं है, गिटअप प्लगइन है कि नहीं है हमारे पास। तो ये हमको बताया कि हमारे पास गिटअप प्लगइन ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। दिस प्लगइन इंटीग्रेट्स गिटअप टू जेंकिंस, ठीक है, ये अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है हमारे पास, देखो इसने मना कर रखा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके अवेलेबल प्लगइन्स में जाके गिटअप लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ से हमारे को जितने भी हमारे गिटअप के प्लगइन्स होंगे वो सारे दिख जाएंगे हमारे को, ठीक है। गिटअप पाइपलाइन फॉर ब्लू ओशन, गिटअप गिटअप गिटअप, यहाँ पे ये रहा गिटअप इंटीग्रेशन, हमें ये वाला प्लगइन चाहिए क्योंकि हमें गिट को इंटीग्रेट करना है। इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे पास इंस्टॉल्ड विदाउट रीस्टार्ट, तो इसको हम क्लिक कर देंगे।
ये क्या कर रहा है, अभी पेंडिंग है, ये चेक कर रहा है, तो ये धीरे धीरे हम प्लगइन को इंस्टॉल करेगा। अब क्या हुआ कि हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 3 बार सक्सेस लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो जेंकिंस है, जो जेंकिंस इंटीग्रेशन है, उसने अपने जो बेस्ड प्लगइन है, जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड प्लगइन है, उनको भी इंस्टॉल किया है अपने साथ साथ, तो यहाँ पे इसलिए 3 बार सक्सेस मैसेज लिखा हुआ है। नाउ अब क्या करते हैं, हम चलते हैं वापस से इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में हम चेक करते हैं गिटहब। यहाँ पे आप देखोगे कि देखो ये पहले चेक नहीं था, अब ये चेक आ गया। यहाँ पे ये गिटहब प्लगइन था, यहाँ पे गिटहब इंटीग्रेशन प्लगइन आ गया अब हमारे पास, जिसके ऊपर चेक लगा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम हमारा जो गिट है उसे इंस्टॉल करते हैं जेंकिंस के अंदर। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम गिट को इंटीग्रेट करते हैं हमारे जेंकिंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम गिट के साथ प्रोजेक्ट को रन करेंगे। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।